सो हेलो एवरी आकाश राव फ्रॉम दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश हिंदी विथ अकाशा सो दस का दम सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी थ्री वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं तो आप उसे जरूर देख लेना जिसमें मैं टॉप टेन एम सी क्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर आपके साथ लेकर आता हूँ तो इस सीरीज़ का नाम भी दिया है दस का दम जिसमें मैं दस एम सी क्यू आपके साथ पूछता हूँ आपका टेस्ट लेता हूँ और अगर आपको इसे सॉल्व कर देते हो मतलब आपका जो चैप्टर का प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और अगर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो आपको और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इससे पहले मैंने दी आई हैविट स्ट्रॉन्ग रूट्स ए स्लिप इन द वैली के मैंने दस कदम सीरीज में अपलोड कर दिया है उसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे शो होगा आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं या डायरेक्टली चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसी के साथ हिंदी के भी बहुत सारे एम का टेस्ट फॉर्मेट में अपलोड कर दिया गया है पी फॉर्मेट भी है तो आप सबसे पहले वीडियो को देखकर टेस्ट दे देना उसके बाद लिंक में डिस्क्रिप्शन है उस उस पी को ओपन करके आप लोग उसको पढ़ सकते हो तो देखिए दस कदम जो सीरीज़ है इसमें मैं इस बार जो चैप्टर ले रहा हूँ उसका नाम है द पोइट्री ऑफ द अर्थ जो कि इंपॉटेंट चैप्टर है आपके एचएस के लिए राइटर है सॉरी पोएट है जॉन किट्स और ये नीचे देखिए इस चैप्टर का टॉप टेन एम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये टेन एम सी क्यूज के कुछ रूल्स एंड मार्किंग स्कीम्स हैं कैसे आपको आंसर देना है तो चलिए सबसे पहले मैं रूल्स एंड मार्किंग स्कीम्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ सो so, चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको इस एम सी क्यू टेस्ट का रूल्स एंड मार्किंग स्कीम बता देता हूँ तो इसका रूल्स एंड मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन अपीयर आप होगा आपकी स्क्रीन के सामने एंड उसके चार ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है एंड आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और इसकी जो मार्किंग स्कीम ऐसी है कि आपको प्लस वन देना है फॉर करेक्ट आंसर एंड जीरो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर अगर आपके मार्क्स सही अगर आपके आंसर सही होता है तो आप अपने आप को प्लस वन मार्क्स देंगे और अगर गलत होता है तो ज़ीरो मार्क्स देंगे कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके एग्जामिनेशन के जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने एग्जामिनेशन के जैसा ही मार्किंग स्कीम्स को रखा है और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज डैट आपको अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ऑनेस्टली आपका मार्क्स कितना आ रहा है नहीं आ रहा है आपको कमेंट करना है अगर आप 10 में चार पा रहे हैं या जीरो पा रहे हैं या फुल मार्क्स पा रहे हैं तो आपको कमेंट करना है जिससे आप और भी अपने फ्रेंड्स के कमेंट देख पाएंगे कि आपके फ्रेंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उससे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा तो चलिए इसी के साथ हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहता हूँ आपको इस टेस्ट के लिए मेरा ऑल द वेरी बेस्ट है आप इस टेस्ट में अच्छा करें और अगर आप इस टेस्ट में अच्छा करते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे क्योंकि ये एक एम सी क्यू एंड एस सी क्यू के लिए ये एक तरह का सजेशंस भी है ये सिर्फ टेस्ट नहीं है एक सजेशंस भी है इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो है सेम आएंगे तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे इस वीडियो को और ये वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दे ताकि एक कंपटीशन का माहौल जनरेट हो और आप लोग कंपटीशन में हिस्सा ले पाए ताकि आप एक दूसरे को कम्पीट कर अपना परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाए सो so आप उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स को आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए तो चलिए इसी के साथ रूल्स एंड मार्किंग स्कीम आई होप आप समझ गए होंगे तो आपका टेस्ट शुरू होता है और पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सो आई होप आप सभी ने वीडियो, वीडियो को रूल्स एंड मार्किंग स्कीम को देख लिया है तो चलिए इस मैं जस्ट uh, हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है होगा आपको वीडियो को पॉज करना है आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है विद इन दस एंड पंद्रह सेकेंड में कर लेना है उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और देखना है आपका सही आंसर है या गलत है और अगर करेक्ट आंसर होता है तो आपको देने हैं प्लस वन मार्क्स और अगर गलत होता है तो आपके देने हैं प्लस जीरो मार्क्स तो इसका डिटेल्स भी मैंने अभी आपने सुन लिया है तो चलिए अब फटाफट जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा सो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है क्रिकेट सॉन्ग इज हर्ड इज हर्ड कहाँ से जो क्रिकेट है उसका साउंड कहाँ से सुनाई देता है तो क्रिकेट को आप लोग क्रिकेट या क्रिकेट कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो क्रिकेट को झिंगुर जाता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका ऑप्शन है ए नाउ हेयर बी एवरीवेयर फ्रॉम दी फायरप्लेस सी एंड फ्रॉम बिहाइंड द फायरप्लेस ऑप्शन नंबर डी तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर को क्लिक करना है तो चलिए आई होप आपने वीडियो को पॉज करके आंसर को क्लिक कर दिया है तो मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो इसका आंसर जो होगा डी इज द करेक्ट आंसर इसका जो आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम बिहाइंड द फायरप्लेस बहुत से लोग फ्रॉम ये फायर प्लेस को यूज कर देते हैं तो बट ये फ्रॉम द फायर प्लेस नहीं होगा फ्रॉम बिहाइंड द फायर प्लेस होगा फायर प्लेस के पीछे से होगा जिसको आप चूल्हा भट्टी या स्टोव कुछ भी आप लोग जो भी बोलते हैं हो, वो होगा तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था अभी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल हार्ड होते जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोग ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा एंड बहुत ही वो हार्ड भी है और फेवरेट क्वेश्चन भी है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है क्वेश्चन uh, क्या है एक uh, आपके पोएम से लाइन को लिया गया है कि ए वॉयस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज तो कोई भी एक वॉइस है जो हेज टू हेज रन करती है वॉइस मेन्सनड हेयर इज द वॉयस ऑफ तो यहाँ पे ये यह जो वॉयस है वो किसका वॉइस है यहाँ पे जो मेंशन हुआ है तो आपके ऑप्शन से ए ग्रास का ऑप्शन बी द क्रिकेट का ऑप्शन सी बर्ड का या ऑप्शन डी पोएट का वीडियो को पॉज कीजिए आंसर को क्लिक कीजिए तो आई होप आपने आंसर क्लिक कर दिया होगा तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ तो इसका आंसर जो तो है वो सही होगा ए ए इज़ द करेक्ट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर अ ग्रास ऊपर तो यहाँ पे ग्रास ऊपर के वॉइस के बारे में बताया गया है मेंशन किया गया अगर सही है तो ईमानदारी से प्लस वन दे और अगर गलत है तो ईमानदारी से प्लस जीरो दे दें तो चलिए उसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे तो देखिए मैं क्वेश्चंस का वीडियो को पॉज खुद से करना है मैं रुक नहीं सकता हूँ अगर एक क्वेश्चन के लिए मैं एक मिनट भी रुकता हूँ तो दस क्वेश्चन के लिए मुझे दस मिनट वेट करना पड़ेगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस वजह से आपको ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके आंसर को बताने हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा तो क्वेश्चन नंबर जो है देखिए ये द पोइट्री ऑफ द द पोइट्री ऑफ अर्थ फॉलोज़ इज द फॉलोइंग पैटर्न द सोनेट तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही होना चाहिए ये भी डायरेक्ट एम सी क्यू में आ सकता है कि पोइट्री पोइट्री ऑफ द अर्थ ये किस फॉर्म में लिखा गया है तो पहला आंसर होगा इसका सोनेट फॉर्म में और अब इसके और डेफ्ट क्वेश्चन आता है कि सोननेट फॉर्म यूज तो हुआ है बट सॉन भी बहुत प्रकार के होते हैं तो किस फॉर्म का यूज किया गया है तो यहाँ पर देखिए आपकी इसमें ऑप्शन क्या है ए ऑक्टे प्लस थ्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है थ्री क्वार्टर एंड कपलेट एंड सेस्टे प्लस सेस्टेट है प्लस कपलेट है तो ये आपको पता ही होना चाहिए और ये मैंने लाइव जो इस चैप्टर का एम सी क्यू टेस्ट लिया था ऐसे की उसमें भी मैंने बताया था तो अगर आप लाइव में नहीं आते हो तो लाइव में भी आया करो और लाइव सेशन का प्ले लिस्ट में जाकर टेस्ट जो भी हुआ है हिंदी इंग्लिश का ये सब भी आप लोग ज़रूर देखना तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया नहीं किया तो कर लो कर लो जल्दी से आप आंसर बताओ एंड मोटिवेशन बना रहना चाहिए एकदम लास्ट तक जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन तो देखना ही देखना कितना डिटेल्स में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे आंसर जो है आंसर मैं बता दे रहा हूँ आंसर जो ए इज द राइट आंसर ऑक्टिव प्लस सिस्ट का ही यूज हुआ है। सही है तो प्लस वन देना और गलत है तो एक मिठाई अपने आप को जरूर दीजिएगा बट यहाँ पे रुकना नहीं है टेस्ट देते रहना है भले ही आप इस टेस्ट में दस में चार पाँच पा जाओ लेकिन आने वाले टेस्ट में आप छः सात आठ नौ इवन दस तक भी जाओ इससे आपका क्या होगा आप प्रैक्टिस से ही आप बेटर बनने वाले हो और प्रैक्टिस करते रहें करते रहें और आप जरूर टॉपर बनेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर फोर इज डैट इज द्रास ऊपर डैट इज द्रास ऊपर मतलब वो ग्रास ऊपर है तो ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी तो यहाँ पे ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी तो हेयर द वर्ड डैट रेफर्स टू तो यहाँ पे ये यह जो वर्ड है डैट आप देख रहे हो एकदम सेंटेंस का फर्स्ट में है डैट तो यहाँ पे इस जो लाइन है बुक का तो डैट इज द्रास ऊपर तो डैट का मतलब क्या है यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट किया गया है तो आपके ऑप्शंस है ए द वॉइस ऑप्शन बी द वर्ड ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी द इंसेक्ट ऑप्शन सी द वर्ड ऑप्शन डी द हेज तो यहाँ पर आपको बता दें वीडियो को रोक दीजिए आई होप आपने वीडियो को रोक कर आंसर क्लिक कर लिया होगा तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताना चाहता हूँ इसका आंसर जो होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर द वॉइस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे डैट मतलब जो यहाँ पे वॉइस के बारे में बताया जाता है वो वॉइस ही जो है ग्रास ऊपर का वॉइस है इसीलिए यहाँ पे लिखा गया डैट इज ग्रास ऊपर सो चलिए गाइस जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव पर तो ऑन ए लोन विंटर इवनिंग ऑन ए लोन विंटर इवनिंग द विंटर इज लोन विकॉज तो यहाँ पे लोन का मतलब होता है अकेला एकांत जैसे आप लोग इसको एलोन वर्ड भी पढ़ते हो तो इसमें सिर्फ लोन है तो ऑन ओना लोन विंटर इवनिंग द द विंटर इज लोन बिकॉज तो यहाँ पे लोन क्यों है एकांत अकेला क्यों है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है देर इज अ फ्रॉस्ट बी देयर इज अ साइलेंस ऑल अराउंड चारों तरफ जो है एकदम साइलेंस बना हुआ है और यहाँ पे देयर इज अ फ्रॉस्ट मतलब कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ और यहाँ पे इट इज़ कोल्ड या ठंडा है एंड द पोएट यहाँ पे कोल्ड मतलब वो ठंडा सर्दी के मौसम द पोएट हैज नो कंपनी तो यहाँ पे पोएट जो है उसके साथ कोई है ही नहीं नो कंपनी इसीलिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया है तो आप लोग इसका आंसर वीडियो को पॉज करके ज़रूर से बताएं एंड आई होप आपने बताया होगा चलिए मैं इसका आंसर्स बताता हूँ तो इसका आंसर जो होगा कर बी करेक्ट होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ बीच द करेक्ट आंसर देर इज अ साइलेंस और अनाउंड चारों तरफ साइलेंस होता है और ये साइलेंस किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम या ऐसे क्यों बनता है और इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको यूज करना ही होता है तो इसका आंसर भी आप कमेंट कर सकते हो अगर आता है आपको पता है तो तो ये साइलेंस जो है फ्रॉस्ट के द्वारा क्रिएट होता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट कर दिया जा सकता है तो इसके लिए आपको तैयार होना है इसके जगह पे ये भी क्वेश्चन होगा कि साइलेंस कौन क्रिएट करता है तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में फ्रॉस्ट सही हो जाएगा तो इसको भी आपको ध्यान देना ये भी मैंने लाइव टेस्ट में पूछा था तो इसको भी आप लोग जरूर लाइव टेस्ट भी अटैम्प्ट करो क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप समझोगे उतने तरह के माइंड में क्वेश्चन आएंगे और थ्री थ्री डिग्री आप बन जाओगे कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आए मैं उसको सॉल्व कर लूँगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पर और क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के सामने ये रहा तो क्वेश्चन जो है मैं पढ़ बता देता हूँ ये भी एक आपके पोएम द पोइट्री ऑफ अर्थ का लाइन है एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लोस्ट तो यहाँ पे आप लाइन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर का तो वन इज लोस्ट इन ड्रॉजिनेस बिकॉज ऑफ तो पहले मैं इस लाइन का थोड़ा आपको मतलब समझा देता हूँ बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो इसी लाइन से कनेक्टेड uh, रहेगा तो यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ उसमें मैं नहीं समझाऊँगा इसको ही आप समझ लीजिए तो हाँ यहाँ पे देखिए जो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए एंड का मतलब और तो ये सीम्स का मतलब जो है मालूम पड़ना होता है यहाँ पे जो है वन का मतलब जानते हो क्या होता है जो आग के पीछे बैठा होता है फायरप्लेस सॉरी फायर के पीछे आग के पीछे जो बैठा होता है एंड्रोजिनेस का मतलब जो होता है वो सुस्ती अवस्था में सुस्ती अवस्था में झपकी अवस्था में जिसे आप कहते हो कि ठंडे के समय में आग आग के सामने बैठकर जो आग को सेकते हो और उस समय शरीर पूरा सुस्त रहता है जिसको आप लोग अर्थ निद्रित बोलते हो हाफ स्लीपिंग पर्सन भी आप लोग इसको बोलते हो तो इंड्रोजिनेस हाफ लोस्ट तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एंड सीम्स टू वन इन हाफ लोस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि इट सीम्स टू वन हु हाफ स्लीप जो आधा सोया हुआ हो तो इसको ही कहते हैं आधा सोना मतलब अर्ध मतलब आधा निंद्रित माने निंद्रा अवस्था में नींद की अवस्था में तो यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई है कि अर्धनिंद्रित व्यक्ति को महसूस जो होता है तो इस लाइन का मतलब एक्चुअली यही होता है कि एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजिनेस हाफ लोस्ट तो एक्चुअली जो आग के पीछे जो आग सेकते हैं लोग उनको और वो अर्ध अर्धनिंद्रित अवस्था में रहते हैं एकदम सुस्ती अवस्था में एकदम रहते हैं झपकी लेते हुए तो उनको जो है क्या सीम्स होता है तो वो तो आपको पता ही है क्या सीम्स होता है लास्ट लाइन में ये सब लिखा हुआ है तो इसके यहाँ पे ऑप्शन कह रहे तो वन इज लोस्ट इन ड्रॉजिनेस बिकॉज ऑफ तो वो किस चीज़ के यहाँ पे इसका रीजन पूछा गया है कि वन इज लोस्ट इन ड्रॉजिनेस बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको बताना है तो यहाँ पे आपके ऑप्शन से ए द बैड वेदर ऑप्शन बी द डार्क नाइट ऑप्शन डी लॉस ऑफ स्लीप या ऑप्शन डी टायर्डनेस तो आपको ये बताने हैं वीडियो को पॉज करके आपको जल्दी से आंसर बताने हैं तो इसका सही आंसर होगा ए ए इज द करेक्ट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर द बैड वेदर एक्चुअली जो ठंडे का दिन है यार अब जिस मौसम में आप खेल कूद नहीं करते हो एंड सुस्ती छाई रहती है एकदम झपकी ले रहे हो आग के सामने बैठने को मजबूर होता है इतना ठंड होती है तो इसको क्या आप अच्छा सीजन बोलोगे नहीं एक्चुअली इसको आप बैड सीजन में ही काउंट करोगे ना तो यही बातें हैं यहाँ पे तो इसके ऑप्शन जो होंगे ए द बैड वेदर बिकॉज यहाँ पे टायर्डनेस तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर सी अगर टायर्डनेस है तो उनको आराम करना चाहिए एंड द डार्क नाइट वहाँ पे आधी रात होती है तो ये तो गर्मियों में आधी रात आधी रात होती ही है गर्मी में बैशाख में सावन में तो क्या आप आग के सामने तो गर्मी में नहीं बैठते हो तो ये यह भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा एंड द लॉस ऑफ स्लीप ये तो नहीं होगा तो यहाँ पे द बैड वेदर ही आंसर होगा तो आप यहाँ पे अदर ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर, कर कर के भी सही आंसर में पहुँच जाओगे सही है प्लस वन गलत है प्लस ज़ीरो कर दें यस क्वेश्चन नंबर नाइन में आप लोग जाने को बेचैन हो गए हो बट मैं वहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन तो अगेन द लाइन वही है एंड सीम्स टू वन इनजीनियस आप इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था बढ़िया से ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए मुझे फिर से एक्सप्लेन ना करना पड़े तो द तो तो ग्रास यहाँ पे देखो क्या है कि द ग्रास एमोंग सम ग्रासी हिल्स द पैसेज इज डिस्क्राइबिंग अ सीन ऑफ अ सीन ऑफ तो यहाँ पर ये यह जो पैसेज है वह किस चीज़ का डिस्क्राइबिंग uh, कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे किस सीज़न को बताया क्योंकि आपके ऑप्शन में भी देख लीजिए चारों सीजन है तो यहाँ पे किस सीज़न के बारे में बताया गया तो यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी आप लगाओगे ईजली जैसे ऑप्शन ए है समर ऑप्शन बी है विंटर ऑप्शन सी है रेन्स या डी है ऑटम तो सबसे पहली बात तो इस आ, चैप्टर में आपको दो सीजन को बताया गया है पहला ईज है समर एंड अनदर इज विंटर विंटर है तो सबसे पहले तो ऑप्शन सी और डी गया ही गया ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं बचा हुआ ए e है और बी है तो ये क्या है यहाँ पे जो ये ड्रॉजिनेस हाफ लोस्ट है ये लास्ट में बोला गया और लास्ट में विंटर सीजन के बारे में बताया गया तो इसका सही आंसर होगा विंटर तो इसका सही आंसर होगा विंटर सीजन यस विंटर सीजन जो है इसका सही आंसर होगा विंटर सीजन और जो कि उसको लगता है कि ग्रास ऊपर जो गर्मियों के सीजन में सॉन्ग गाता है वही चीज़ें उनको एज होता है मालूम पड़ता है बट यहाँ पे विंटर इज आंसर होगा क्योंकि विंटर सीजन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है इस स्टेंजा में तो चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर सो द क्वेश्चन नंबर एट इज़ ऑन योर स्क्रीन तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि इन दिन इन विंटर द पर्सन विलिव्स द क्रिकेट इज़ रूपर्स विकॉज तो विंटर में जो पर्सन होता है जो भी ड्रॉविज ने इस जब आपने पढ़ा पि, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया तो वो बिलीव करता है कि द क्रिकेट इज क्रास ऊपर तो क्रिकेट उसको सिम्स होता है क्रास ऊपर की तरह तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ तो ऑप्शन नंबर ए है ही हैज एक्चुअली सीन द ग्रास ऊपर इन द्रास क्या वो सच में जो है ग्रास ऊपर को ग्रासी हिल्स में देखता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी है ही इज अंडर द स्पेल ऑफ ड्रॉजिनेस तो ड्रॉजिनेस के कारण और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है द दाम ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग इज जस्ट लाइक द ग्रास ऊपर सॉन्ग तो जो गर्मी है जो जोश है जो उत्साह है क्रिकेट के सॉन्ग में वो ग्रास ऊपर के सॉन्ग के जैसा ही है या ऑप्शन नंबर डी ही कैन नॉट सी एनी थिंग अराउंड हिम तो अगर वो आस पास में किसी को नहीं देख पा रहा है तो इस वजह से उसको ऐसा बिलीव होता है तो आपके ये चार ऑप्शन है आपको आंसर बताने हैं वीडियो को पॉज कर ले और आंसर बता दे तो आई होप आपने आंसर को क्लिक कर लिया होगा तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ तो इसका सही आंसर जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ मैं लिख देता हूँ सी इज़ द करेक्ट आंसर सही है तो प्लस वन गलत है तो प्लस जीरो दे देना तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा बिकॉज दी वॉर्म ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग इज़ जस्ट लाइक तो इसी वजह से क्योंकि क्रिकेट के, के सॉन्ग का जो गर्मी है जोश है उत्साह है एक जस्ट लाइक ग्रास उपर स तो इसी वजह से उसको ऐसा लगता है कि ग्रास उपर ही जो है वो ग्रासी हिल्स से वो ही सॉन्ग गा रहा है लेकिन एक्चुअली में क्रिकेट होता है बट ड्यू टू सिमिलर वॉर्म्थ वो ऐसा इमेजिन कर लेता है कि वो ग्रास ऊपर ही होगा तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं जो कि यस आप लोग बहुत समय से बेकरार थे क्योंकि मैंने किया था करार क्वेश्चन नंबर नाइन और इसलिए आप लोग हो चुके हो बेकरार तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर नाइन को आप लोग बहुत ही आराम से सुनिएगा और जो भी हो आता है नहीं आता है वो बात की बात है कोशिश कीजिएगा और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तो ए वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मो मीट द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है क्या है न्यू मोन मीट तो यहाँ पे न्यू मोन मिड में जो है फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो क्या है तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है तो फिगर ऑफ स्पीच को अगर हिंदी में बोला जाता है तो इसको बोला जाता है अलंकार हिंदी में अलंकार और अगर आप मेरे चैनल पे हिंदी पढ़ते हो हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हो देन आपको पता ही होगा अलंकार क्या होता है उपमा अलंकार रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार वगैरह वगैरह बहुत सारे अलंकार आपने देखा ही होगा जो कॉलेज स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो आपको मैंने एच में क्लास वार बारहवीं में क्लास ट्वेल्व में ही बता दिया सभी कुछ तो यहाँ पर आप लोग देख लेना एंड में इस चारों ऑप्शन को बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दे और पूछ ले तो इसी वजह से चारों को बारे में पता होना चाहिए तो मैं जस्ट बोलता जाऊंगा आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हो तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है ए इज दी ऑप्शन है जो सिमली बी मेटाफोर सी एलिटेरेशन या डी पर सोनिफिकेशन तो अगर जिसको यहाँ पे नेगलेक्ट करना हो तो वो पर सोनिफिकेशन तो नेगलेक्ट कर ही सकता है लेकिन उसके बावजूद भी तीन आंसर्स बचेंगे तो चलो एक एक को मैं डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सिमली सिमली को एक्चुअली हिंदी में आप इसको उपमा अलंकार भी बोलते हो बोल सकते हो तो देखो सिमली होता क्या है फिगर ऑफ़ स्पीच के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ एंड द सिमली क्या होता है सिमली इज द डायरेक्ट कम्पेरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग विथ वन कॉमन क्वालिटी वन कॉमन क्वालिटी मतलब देखो दो डिफरेंट थिंग अगर किसी भी सेंटेंस में है और उसमें एक कॉमन क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है सपोज द uh, दो चीज़ें एक सेंटेंस में दो चीज़ें होती है उसमें एक कॉमन क्वालिटी बताया जाता है तो उसको हम लोग सिमली बोलते हैं और उसमें ये जो लाइक like वर्ड है यहाँ मैं लिखता हूँ लाइक वर्ड है और एज वर्ड है ये जरूर से जरूर यूज होता है इसको भी आप ध्यान रखना फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई वॉन्डर आई वॉन्डर लोनली मैं बोल रहा हूँ तो लिखा हुआ हो सके समझ में न आए ऐज अ क्लाउड तो यहाँ पे देखो क्या कि आई अलग चीज़ है क्लाउड भी अलग चीज़ है आई एक ह्यूमन बींग है और क्लाउड एक नॉन ह्यूमन बींग है क्लाउड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग हो गया बट दोनों डिफरेंट थिंग में एक ही क्वालिटी है जो कॉमन है एंड दोनों के दोनों जो है वो लोनली है तो दोनों के दोनों क्या है लोनली है तो यहाँ पे समझ में आ गया अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आई थिंक सेकेंड एग्जाम्पल आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे अपने आप से क्योंकि आप लोग यही करते हो कोचिंग्स में स्कूल्स में तो आप लोग देख लो क्या है कि अ सी इज ब्यूटी अच्छा इसको मैं डिलीट करके लिख रहा हूँ अ ब्यूटीफुल लाइक लाइक एज मून तो यहाँ पे देखो लाइक like और एज जो वर्ड है यहाँ दोनों यूज हो गया पिछले में सिर्फ एज यूज हुआ था तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सी एक लिविंग है मतलब कोई लड़की है और मून जो है नॉन लिविंग है मून चंद्रमा है तो दोनों अलग अलग थिंग्स हो गए बट दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि बोथ आर ब्यूटीफुल दोनों ब्यूटीफुल है तो इसको ही कहते हैं सिमली तो यहाँ पे जो है सिमली मैंने समझा दिया बट इस वर्ड में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगा तो ये सिमली नहीं है ऑप्शन नंबर ए गलत ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं बी क्या है बी uh, है मेटाफोर बी इज दी मेटाफोर तो मेटाफोर बताता हूँ क्या है देखो मेटाफोर जो है इनडायरेक्ट कम्पेरिजन है सिमली क्या होता है डायरेक्ट कम्पेरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स वन कॉमन क्वालिटी बट इनडायरेक्ट कम्पेरिजन होता है मेटाफोर में मेटाफोर में इनडायरेक्ट कम्पेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स होता है बट इसमें सिमली से अलग होता है क्या कि इसमें लाइक और एज जो वर्ड है वो यूज नहीं होता है और यहाँ पर जो है कॉमन क्वालिटी जो मैंने बताया होना चाहिए सिमली में तो यहाँ पे कॉमन क्वालिटी भी नहीं रहेगा सेंटेंस में ये डिफरेंस है और मेटाफोर को रूपक अलंकार कहा जाता है हिंदी में तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सपोज एग्जाम्पल है राम इज अ लायन राम इज अ लायन तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो राम इज अ लायन में टू डिफरेंट थिंग है राम कहाँ एक लड़का है लायन कहाँ एक शेर है जानवर है तो राम इज ए लॉयन तो यहाँ पे तो डिफरेंट थिंग हो ही गया यहाँ पे लाइक और एज भी यूज नहीं हुआ है कॉमन क्वालिटी भी नहीं है और राम इज अ लायन राम एक से ये भी कुछ अजीब सा ही लग रहा है लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है, है सिमली का अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ पे एक्चुअली दिखाना क्या जा रहा है कि लॉयन क्या होता है ब्रेव ब्रेवरी होता है बहुत ही बहादुर होता है तो राम जो है वो लायन के जैसा है मतलब उसके जैसा बहादुर है ब्रेवरी तो यहाँ पे कॉमन क्वालिटी क्या है ब्रेवरी है जो यहाँ पे राम इज ए लॉयन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है यही चीजें यहाँ पे हैं हाँ तो जैसे इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये होगा राम इज ब्रेव यहाँ पे ब्रेव आ, एज लॉन एज लायन तो देखो एज आ गया ना यहाँ पे तो ये नीचे वाला जो है ये सिमिली है बट ऊपर वाला जो है वो मेटाफोर है तो मेटाफोर इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी कम्प्रेशन ऑफ सिमली सिमली को कम्परेस कर दोगे तो वो मेटाफोर बन जाएगा तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया तो ये न्यू मोन मिड जो है ये भी आंसर नहीं होगा तो अब इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पर्सोनिफिकेशन तो पर्सोनिफिकेशन तो सिंपल है आप सबको जानता है किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को भी हम लोग उसको इंसान के जैसा बताते हैं जैसे आप हिंदी में संध्या सुंदरी चैप्टर पढ़े हो तो संध्या सुंदरी में ये बताया कोई नहीं बचती बीड़ा या संध्या सुंदरी आकाश से नीचे आती है तो एक्चुअली संध्या कोई कोई सुंदरी तो है नहीं बट उसे ऐसा करके अब पोयम में दर्शाया गया था तो यहाँ पे उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया है जैसे आप बोल सकते हो द मून इज लाफिंग अपॉन द रिवर तो चंद्रमा जो है नदी के ऊपर हंस रहा है तो एक्चुअली चंद्रमा तो हंस नहीं रहा है और वो चंद्रमा तो एक गढ़ा है लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का जो है पर्सोनिफिकेशन हुआ है बट यहाँ पे न्यू मोन मीट भी तो एक ग्रासेस होते हैं तो इसका भी पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ है तो ये भी ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बट सी को भी समा समझा लेने दो तो इसमें दो सी में क्या है कि एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेंटेंस हो या वर्ड हो जिसमें एक ही तरह के साउंड रिपीट होते हैं जैसे एग्जाम्पल की तरफ से मैं बताऊँ जैसे लल्लू लाल अगर आप ये वर्ड बोलते हो तो इसमें देखो लॉ लल्लू में लॉ ला, और लाल में लॉ ला, तो लॉ 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 यूज हो रहा है उसी के साथ जैसे आप लोग ये कहावत भी सुने होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाती को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई तो इसमें भी देख रहे हो कि चौ 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 चो सभी में यूज हो रहा है एंड पोयम uh, का लाइन है इसको भी अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे वो, वो लाइन है अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन तो यहाँ पे देखो सभी में ए ए ए ए आ रहा है ना अलोन अलोन में अ आ रहा है ऑल ऑल में ओ ओ ओ आ रहा है उसके बाद सेकेंड लाइन होता है अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी तो फिर वाइड वाइड में डब्ल्यू डब्ल्यू का जो व व आ रहा है तो यहाँ पे जो है रिपीटेशन होता है साउंड का तो इसी को कहते हैं एलिटरेशन तो ये तीन ऑप्शन तो हुआ नहीं तो बेस्ट सी बात है सी ऑप्शन ही होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू मोन मीट तो यहाँ पे देखो एम एम आ रहा है ना एम एम में, में ए, ए साउंड आ रहा है साउंड ए ए आ रहा है तो एम एम में ए, ए साउंड आ रहा है एक्चुअली ए ए साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन होता है लेकिन हो सकता है एग्जाम में कुछ और भी पूछ दे तो इसी के लिए मैंने ये सभी को आपको डिस्कस कर दिया जो आपके फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा तो चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में अगर ये गलत भी हो गया तो निराश मत होना क्योंकि ये नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं सॉल्व इसको तो क्वेश्चन नंबर टेन विच इज़ अ लास्ट वन तो ग्रास ऊपर स्टार्ट सिंगिंग इन समर तो ग्रास ऊपर जो है सिंगिंग स्टार्ट करता है गर, गर्मी के सीजन में समर में यस आई नो एंड यू ऑल्सो नो तो ऑप्शन क्या है कि बिफोर द बर्ड्स पंछियों से पहले ही स्टार्ट करता है गाना या आफ्टर दर्ड्स या सी अलॉन्ग विद द बर्ड्स मतलब पंछियों के साथ गाता है या एलोंग विद द क्रिकेट या क्रिकेट के साथ वो गाना गाता है तो यहाँ पे आपको ईजिली आंसर आपको पता होगा पहुँच करके बता दें तो ये सभी को पता है कि आफ्टर दर्थ्स वो जब पंच हो जाते हैं थक जाते हैं और रेड हॉट सन से देन वो पेड़ों में छिप जाते हैं उसके बाद क्रास ऊपर का जो वॉइस जो है रनस होता है फ्रॉम हेज टू हेज तो ये लाइने आपको याद हो गई होंगी अब तक तो यहाँ पे जो है आफ्टर दर्थ होगा बी ऑप्शन इज द तो ये रहा दस क्वेश्चन और दस में आपको कितने मार्क्स मिले हैं ज़रूर कमेंट करके बताना और इसको चैलेंज दे दें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स को चैलेंज जरूर दे दें दे और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बोनस क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन क्या है आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर द साइलेंस इन द पोईट्री ऑफ द पोयट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन रॉट बाई और दिस क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन तो आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ए समर बी विंटर्स डी रेन सी ये एक्चुअली मैंने लाइव टेस्ट में डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी अगर आप आंसर में बता दिया था तो आप इसका आंसर जो है कमेंट जरूर करना इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें एंड बहुत मेहनत लगा ऐसे वीडियो बनाने में तो इस वीडियो को लाइक जरूर थोक दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी आपको कंपटीशन दे पाए और आप उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए ये वीडियो बार बार देखें और बार बार अपने आप को टेस्ट लें कैसा आप टेस्ट दे पा रहे हो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं है इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर शो हो रहे हैं क्लिक करके देख लें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट